नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील बालियान जो कि एमएस है यथार्थ हॉस्पिटल्स में। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। थैंक यू मैम। सर पहले के जमाने में जब हमारे घर में कोई आता था, कोई भी मेहमान या कोई भी बड़ी खुशी होती थी, तो हम सबसे पहले मुंह मीठा कराते थे। लेकिन आज के दौर में जब हम मुंह मीठा कराते हैं तो सामने से रिप्लाई आता है कि यार ऐसे मत करिए, मीठा खाने से हमें शुगर हो जाता है। कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जिसका भी स्वागत होता था वो मीठे से होता था, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज जरूर देखना पड़ेगा, जो पहले के टाइम में और अब के टाइम में अंतर है वो लाइफ स्टाइल का अंतर है। जो भी हमारे पहले पूर्वज होते थे, बड़े होते थे, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते थे, खेतों में काम करते थे सारा दिन। उनकी जो एक्टिविटी थी वो काफी ज्यादा थी और ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी थी। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, चाहे वो खेत में काम करना हो या ऑफिस में काम करना हो। अब हर चीज कंप्यूटराइज हो चुकी है, स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो चुका है और जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो आउटडोर एक्टिविटीज है, वो सारी कहीं ना कहीं काफी कम हो चुकी है। और हम जैसा कि जानते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये सारी लाइफ स्टाइल इंड्यूस डिजीज है। ये कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये कहीं ना कहीं हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है और जो स्ट्रेस का लेवल आजकल वर्क प्लेसेस पे बढ़ रहा है, उसका ये एक कारण है। तो पहले और आज में जो मेन अंतर है वो फिजिकल एक्टिविटीज का है। अगर हम अभी भी फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अभी भी जो है मीठे से स्वागत कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा ब्लड में जो शुगर बनता है उसके बढ़ने के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, शुगर दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं। उसमें जो है बीटा सेल्स होते हैं, वहां से इंसुलिन बनता है। हम कुछ भी खाते हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बॉडी में, और ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी को चलाता है। ग्लूकोज एक एनर्जी फ्यूल होता है हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा शरीर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करता है, और इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज को ब्रेन की सेल्स तक पहुंचाना, मसल्स की सेल्स तक पहुंचाना, हार्ट की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य इंसुलिन का होता है। और ये इंसुलिन जो बनता है वो पेंक्रियाज की बीटा सेल्स में बनता है। तो टाइप, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज दो टाइप की होती है। टाइप 1 डायबिटीज में बचपन से ही, जब बच्चे पैदा होते हैं, उनमें ये बीटा सेल्स नहीं होती है, बहुत कम होती है, और इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, तो उनको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। शरीर में वो सेल्स ही नहीं है जिनसे इंसुलिन बनेगा, तो इसलिए इलाज में भी उन लोगों को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी पे रहना पड़ता है। वहीं दूसरी प्रकार का जो डायबिटीज होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये डायबिटीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और ये यूजुअली लेट 50-40 ईयर्स के बाद प्रोग्रेस करता है। आइडियोपैथिक फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि लेस एक्सरसाइज करना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहना, फास्ट फूड, जंक फूड का ज्यादा सेवन करना, अनहेल्थी डाइट का लेना, स्ट्रेस ज्यादा होना, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल को कंपेयर करें, क्योंकि हमने बहुत कम सुना था, जब हम भी बहुत छोटे थे तो बहुत कम लोगों को शुगर की बीमारी या डायबिटीज हुआ करता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर दूसरे इंसान में शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो ये लाइफस्टाइल का ही फर्क है। देखिए, इंडिया जो है वो डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। ये WHO की रिपोर्ट्स भी कह चुकी हैं कि भारत डायबिटीज की कैपिटल है। और आप डायबिटीज को एक बीमारी ना ले, डायबिटीज बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो जितनी भी मॉर्बिडिटीज होती हैं, चाहे वो किडनी फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, या हाथों पैरों की नसों का कमजोर होना हो, आंख में जो है परेशानी होना हो, रोशनी कम होना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज ओवरऑल एक बहुत ही भयानक बीमारी है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, इसका ध्यान ना रखा जाए, ये तो पूरे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। और इसके मेन होने का कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है। अगर हम इन चीजों को एक्टिव रखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास भी क्लिनिक में कोई पहले डायबिटीज का पेशेंट आता है और उसको फर्स्ट टाइम डायबिटीज होती है, तो हम भी 15 दिन का ट्रायल उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले आप मीठे को बिल्कुल अवॉइड करें, अर्ली इन द मॉर्निंग 40 मिनट्स के लिए ब्रिस्क वॉक करें, जो आप खाना खाते हैं उसमें मल्टीपल मील्स लें,
हम बोलते हैं तीन लार्ज मील तीन स्मॉल मील। लार्ज मील होती है आपकी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, इनके बीच में तीन बार हल्का फुल्के स्नैक्स आपके होने चाहिए। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट डायबिटीज होने के बाद भी हम उसमें लाइफ स्टाइल मोड। सर इसके अलावा जैसे कि हम डेली डाइट लेते हैं उसमें हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हमें डायबिटीज को समझने की आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको हम मेडिकल भाषा में हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। यूजुअली ये जो लेवल होता है ये फास्टिंग रहने पे 110 के आसपास होना चाहिए, 70 से 110, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 के आसपास होना चाहिए। इस रेंज को हम नॉर्मल मानते हैं। इससे ज्यादा अगर किसी का ग्लूकोज लेवल रेंडम चेक करने पे 200, 250, 300, 500 आता है उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया प्रोलोंग लंबे समय तक रहता है तो हम इसको डायबिटीज का जो है ट्रम्प देते हैं। कभी भी ग्लूकोज का लेवल हाई होना चाहे वो 500 लेवल भी है, कोई सिम्टम नहीं देता है शरीर में सिम्टम्स। और डायबिटीज ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से कभी भी कोई शरीर में जो है कोई ऐसे दुष्परिणाम नहीं आते हैं। लेकिन अगर ये ग्लूकोज का लेवल लगातार 8-10 साल तक ऐसे ही अनकंट्रोल शरीर में बढ़ता रहता है तो ये हमारे शरीर के मेनली 5 अंगों को अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये करता है आंख के पर्दे को अफेक्ट करता है, हार्ट मसल्स को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है और हमारे हाथों पैरों की नसों को अफेक्ट करता है। तो अगर ये अनकंट्रोल्ड रहता है, जो इसकी नॉर्मल रेंज 110 और 140 है उससे ज्यादा रहता है और लगातार 8-10 साल तक रहता है तो इन 5 अंगों को ये डैमेज करता है। और ये 5 अंग फिर फर्दर जो है डैमेज होने के बाद कोमोर्बिडिटीज होती जाती है और जानलेवा हो सकते हैं। इसीलिए हम पहले से ही सभी पेशेंट्स को ये कह के चलते हैं कि अगर आपका शुगर का लेवल ज्यादा है तो उसको कंट्रोल रखें। आज तक ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है कि हम 5 दिन के लिए दें और डायबिटीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दवाइयां एक बार स्टार्ट होती है तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है, उनको रेगुलर लेना होता है और रेगुलर इसलिए कि ये ग्लूकोज का लेवल जो है कंट्रोल रहे। अगर ये कंट्रोल रहता है तो फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली जो थेरेपी होती है वो डाइट की थेरेपी होती है। हमें एक जो है बैलेंस्ड डाइट लेना होता है। अडल्ट मेल जो होते हैं उनकी पर डे की लगभग 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है और अडल्ट फीमेल जिनका वेट लगभग 60 kg के आसपास होता है उनकी पर डे की जो बॉडी के फंक्शन चलाने के लिए 1400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये 1400 किलो कैलोरी जैसे हमें लेना है, आजकल क्या होता है बिकॉज ऑफ अपने जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है या हम पंप पे जा रहे हैं, हमें दूर जाना है, हम रहते हैं नोएडा में, हमें गुड़गांव जाना है, 2 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम है, तो उस चक्कर में हम आधे टाइम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, आधे टाइम हम अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज स्किप करते हैं और यही चीजें धीरे धीरे डिस्पोज करती है डायबिटीज को। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, अपने खाने को प्रायोरिटी देनी है ताकि हम इस होने वाली डायबिटीज से बच सकें। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखेंगे, टाइमली डाइट लेंगे, बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो बिलीव मी ये डायबिटीज आपको कभी छूने वाली नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा ब्लड शुगर की जो सामान्य मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए और जो शुगर लेवल है वो जो बढ़ता है उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए मैंने अभी बताया ग्लूकोज की जो नॉर्मल मात्रा होती है और मैं आपको एक और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। हमारे पास पेशेंट्स भी क्वेश्चंस लेके आते हैं कि हमने 1 घंटे पहले चेक किया था हमारा शुगर लेवल 200 था, अभी क्या 250 है, कल सुबह किया था 120 था, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए। एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन जिसको डायबिटीज नहीं है उसका अगर वो फास्टिंग 12 घंटे की फास्टिंग के बाद ओवरनाइट फास्टिंग के बाद मॉर्निंग में खाली पेट चेक करता है तो शुगर का लेवल 70 से 110 के बीच में आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो लगभग नॉर्मल माना जाता है। और पोस्ट प्रांडियल शुगर जिसको हम खाना खाने के या नाश्ता करने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं वो 140 तक होना चाहिए, वो लगभग नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जैसा कि शुगर का लेवल हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में हर एक मिनट में हर एक सेकंड में चेंज होता रहता है तो हम जितनी बार भी वो रैंडम या हाथ में पिक करने वाले टेस्ट से चेक करेंगे तो वो अलग वैल्यूज आ सकती है। तो इसीलिए एक टेस्ट होता है HbA1c, ये शुगर का डिफाइंड टेस्ट होता है, ये पिछले 3 महीने का शुगर का लेवल हमें बताता है। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो हमें बताते हैं कि कल मैंने शुगर का लेवल चेक किया था वो 200 आया तो क्या मुझे शुगर है या नहीं है, वो कंफर्म करने के लिए हम HbA1c टेस्ट के लिए जाते हैं। और HbA1c टेस्ट बहुत कारगर भी है, वो ये हमें बताता है कि पिछले 3 महीने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल चल रहा है बॉडी में या नहीं चल रहा है। उसका लेवल होना चाहिए 6.5,
6.5 तक अगर शुगर लेवल है तो आप डायबिटिक नहीं है, 5.5 तक है तो आप बिल्कुल भी डायबिटिक नहीं है, 5.5 और 6.5 के बीच में जिन लोगों का होता है उनको हम बोलते हैं कि ये पेशेंट जो है प्री डायबिटिक है, इनको आने वाले समय में डायबिटीज हो सकता है, और इसका लेवल 6.5 से ज्यादा। इसके अलावा डॉक्टर क्या ये जेनेटिक हो सकती है जो शुगर की बीमारी होती है? देखिए शुगर की जो टाइप 1 डायबिटीज होती है कहीं ना कहीं उसमें फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। ऑब्वियसली जिनके प्राइमरी पेरेंट्स को होती है या फैमिली में होती है उनको ये ज्यादा चांस होता है, तो ये एक कोमोर्बिड कंडीशंस को डिनोट करता है, अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो एक रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। डायबिटीज सिर्फ ये कहना कि मेरे फादर को है तो मुझे भी होगा ही होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके फादर या मदर को है या आपके ग्रैंडफादर को है तो आपकी एक और रिस्क फैक्टर ऐड हो गया। जैसे कि डायबिटीज के बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होता है ओबेसिटी कि आपका वेट जो है ओवरवेट है या सेंट्रिपेटल ओबेसिटी, वैसे तो आप लीन एंड थिन है लेकिन पेट के ऊपर बहुत ज्यादा फैट है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक फैक्टर होता है, स्ट्रेस का लेवल एक फैक्टर होता है, आपकी एज एक फैक्टर होता है, ऐसे ही एक रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो हाँ आप बाकी नॉर्मल पर्सन से एक थोड़े ज्यादा रिस्क में है कि आपको डायबिटीज हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपके पेरेंट्स को है आपको भी होगा। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा जो शुगर का लेवल है क्या इसे हम एज वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कोई खास उम्र है कि इस उम्र के बाद जो शुगर लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एज के आधार पे शुगर लेवल का कोई डिनोशन है, यूजुअली बच्चों से लेकर एडल्ट तक लगभग एक ही रेंज होती है, जो मैंने बताई कि 70 से 110 से 140 150 तक हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, तो वही एक शुगर का लेवल है जो बॉडी में यूजुअली सामान्यतः सभी लोगों का रहता है, तो ऐसी कोई एज स्पेसिफिक डेफिनेशन डिफरेंट नहीं है। हाँ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो टाइप 2 डायबिटीज के खतरे बढ़ जाते हैं, वहीं जो यंग होते हैं जो अडल्ट्स हैं जो बच्चे हैं 4 साल 5 साल 2 साल की एज में उनको टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि उनके शरीर में बीटा सेल्स है ही नहीं, बचपन से ही नहीं है, उसके जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, उसके बाकी कारण भी हो सकते हैं, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम वो सेल्स नहीं बनी, तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि 80 साल में जो है 150 तक नॉर्मल होता है और 20 साल में जो है 110 होता है, हर एज के लिए वैल्यू एक ही है। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चले कि हाँ हमारा जो शुगर लेवल है वो कम या ज्यादा हो रहा है या हम डायबिटिक हो सकते हैं, ये कॉमन से जो लक्षण है वो कैसे पता चलते हैं अगर हम अभी तक डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए नहीं गए हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 70% डायबिटीज अगर किसी को पता चलती है तो वो एक्सीडेंटल पता चलती है, वो हॉस्पिटल गया किसी और चीज के लिए था, वहां पर शुगर का लेवल टेस्ट कराया तो वो आ गया, वो ब्रेन सर्जरी के लिए गया था, गॉलब्लैडर सर्जरी के लिए गया था, डॉक्टरों ने चेक किया तो उसका शुगर लेवल बढ़ गया है और उसको शुगर की बीमारी डिक्लेयर की। यूजुअली शुगर जो होती है वो इनिशियल सिम्टम्स देती है और इसके 3 इनिशियल सिम्टम होते हैं, पोलीयूरिया, पोलीनिक्सिया और पोलीफेगिया। पोलीयूरिया का मतलब होता है रात के समय यूरिन ज्यादा आता है, यूजुअली हम जब सोते हैं और जब सुबह उठते हैं उसके बीच में मैक्सिमम कोई अगर जाता है तो एक बार यूरिन के लिए जाता है, अगर कोई पर्सन रात को बार बार उसको यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है और उसकी एज 40 से 60 साल के बीच में तो उसको अपना शुगर का लेवल चेक कराना चाहिए। दूसरा होता है भूख बहुत ज्यादा लगना, थोड़ा खाया अभी खाने के बाद दोबारा से भूख लग रही है तो वो भी एक साइन होता है कि आपको अपना शुगर का लेवल चेक कराना है, आपको शुगर हो सकता है। और तीसरा होता है प्यास बहुत ज्यादा लगना, अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, बार बार गला सूख रहा है और यूरिन भी बहुत ज्यादा आ रहा है तो भी आपको जो है अपना शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। यानी अब जरूरत है कि अब हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर इस तरह के आपको लक्षण दिख रहे हैं तो। जी बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा जैसे कई हर्बल मेडिसिन है, कई आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, इनके हमने बहुत सारे प्रचार देखे हैं, एडवर्टीजमेंट देखे हैं, इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है कि अगर आप ये दवाइयाँ खाते हैं, आयुर्वेदा के पास जाते हैं या हर्बल दवाइयाँ खाते हैं, यूनानी के पास जाते हैं तो आपका शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा, क्या ये मिथ है या वाकई इसमें हकीकत है? डायबिटीज को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं और भारत में क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति ही भारत जो है उसका जननी रहा है,
तो भारत में आयुर्वेदा को लेके बहुत सारी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस रहते हैं पेशेंट्स को लेके भी। सबसे पहली चीज तो ये रहता है कि आयुर्वेदा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा उनको ये रहता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन खाएंगे तो जल्दी ठीक होंगे और ये जड़ से खत्म हो सकता है। और तीसरी मीट डायबिटीज को लेके ये रहती है कि अगर हम कड़वी चीजें लेंगे जैसे कि करेला हो गया, जामुन हो गया, बाकी चीजें ऐसी लेंगे तो उससे हमारा डायबिटीज जो है कंट्रोल हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे होते हैं और फिर कंट्रोल नहीं होता तब वो एलोपैथिक पे स्विच ऑन करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि मैटर ये नहीं करता कि आपका शुगर लेवल कितना है, मैटर ये करता है कि वो कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक से हो, आयुर्वेदिक से हो, आपके लाइफ स्टाइल से हो या होम्योपैथिक थेरेपी से हो। तो आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि आयुर्वेदिक में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो बेटर है आपको पीरियोडिकली अपने टेस्ट कराने हैं, HbA1c हर तीसरे महीने कराना है, और उसका लेवल अगर कंट्रोल है तो वॉट एवर मेडिसिन यू आर टेकिंग चाहे वो आयुर्वेदिक हो एलोपैथिक हो आप उसको कंटिन्यू करते रहे। लेकिन अगर वो अलार्मिंग है और फिर भी आप आयुर्वेदिक दवाइयां लगातार लेते जा रहे हैं तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है, आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा एलोपैथिक मेडिसिन पे, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जितनी भी है वो टेस्टेड है, हमें सब दवाइयों का पता है उसका कितना परसेंट रिजल्ट होता है, कितना साइड इफेक्ट होता है, कितने टाइम देने पे ये दवाई किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है और कितना अफेक्ट करती है। तो हर एक दवाई, क्योंकि डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, 100 साल से इसका इलाज चल रहा है, बहुत सारी रिसर्च इसमें हो रही है, बहुत नई नई दवाइयां इसमें आ चुकी है और बहुत सारी इंसुलिन थेरेपी और बाकी थेरेपी इसमें आ चुकी है, तो सब दवाइयों का सभी एलोपैथिक डॉक्टर्स ने पढ़ाई की होती है और सबको पता है कि कौन सी दवाई क्या साइड इफेक्ट करेगी। ठीक है डॉक्टर, और इसके अलावा एक और सवाल दर्शकों का ये है, जी दर्शकों का एक और सवाल ये है कि जो डायबिटीज है, जो शुगर जैसी बीमारी है, ये महिलाओं में ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा होती है? देखिए ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है कि पुरुष में ज्यादा रहेगी या महिलाओं में ज्यादा रहेगी। यूजुअली जो केसेस देखे गए हैं वो मेल्स में थोड़े से ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली फीमेल्स के, बट ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप फीमेल है तो आपको ज्यादा चांसेस हैं, दोनों को ही इक्वल चांसेस है। डायबिटीज कोई एज, सेक्स या उसकी वजह से नहीं होता है, डायबिटीज आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है और आपके रिस्क फैक्टर की वजह से होता है। अगर आपका ओबेसिटी ज्यादा है, आप ओवरवेट हैं, आप खाने पे कंट्रोल नहीं करते हैं, मीठी वाली चीजें, मीठी चीजों का मतलब होता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे बाकी और कोई चीजें हो, बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपको भी उतना ही रिस्क है जितना बाकी लोगों को है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, उसका कोई डिफरेंशिएशन डायबिटीज पर नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा हमने आजकल केसेस देखे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें भी जो शुगर की बीमारी है वो देखी गई है, पाई गई है, तो क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है या सिर्फ मेडिसिन से इसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए अभी तक एलोपैथी में जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो कंट्रोल का ही है, अभी तक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं आए हैं, तो अभी रिसर्च चल रही है और रिसर्च में जो सबसे मेन चीज है वो है पेनक्रियास ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल थेरेपी, जिस पर अभी रिसर्च एम्स के अंदर भी चल रही है और बाकी कंट्रीज में भी चल रही है। अगर ये सक्सेसफुल होती है स्टेम सेल थेरेपी फॉर पेनक्रियाटिक बीटासेंस तो हाँ डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा और हम ये स्टेम सेल थेरेपी लेंगे तो आगे डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ रोकथाम है, हम इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा अगर कंट्रोल रहेगा तो इसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे बॉडी में और साइड इफेक्ट नहीं होंगे तो लाइफ को खतरा नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा सवाल ये भी है कि एक डायबिटीज का जो मरीज है और एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उनकी जो थालियां हैं यानी कि खाने की थाली, उसमें कितना अंतर होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने स्टडीज में पढ़ा है कि जो नेचुरल शुगर है जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, इसमें भी शुगर की मात्रा होती है, लेकिन ये नेचुरल शुगर होता है जो हम बाहर से इनटेक नहीं कर रहे हैं लेकिन जो हमारा खाना है उसी से हम इनटेक कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंट होना चाहिए, दोनों की थाली में कितना अंतर होना चाहिए, कितना बैलेंस होना चाहिए? नहीं नहीं देखिए इसमें हम जो भी बताते हैं, मैंने पहले भी एक टर्म यूज किया ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी हम खाते हैं हर एक खाने का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफाइन होता है एलोपैथिक द्वारा। हम आलू लेते हैं, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, मतलब आलू अगर हम लेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट बहुत जल्दी होगा और बहुत ज्यादा मात्रा में देगा। सपोज हमने 1 ग्राम आलू लिया तो हमें उससे लगभग 0.99 ग्राम तक हमें ग्लूकोज मिल जाता है,
वहीं अगर हम जो एलोपैथी आयुर्वेदिक में भी कहते हैं करेला खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो उससे हमें शुगर कम प्राप्त होगा। हाँ दोनों चीजें रहे हैं बट उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो हम उन चीजों को अवॉइड करने को बोलते हैं जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, आलू का ज्यादा होता है, चावल का ज्यादा होता है, मैदे का ज्यादा होता है, मीठी जितनी भी चीजें हैं शुगर से जो बनी होती है, प्रकृत जो होता है ग्लूकोज जो होता है शुगर जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत जल्दी डिजोल्व होकर ब्लड में आ जाता है, तो इसलिए वो शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ाता है। तो उन चीजों को हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं जो हम सुबह भी जो नाश्ता करते हैं या जो हम रोटियां खाते हैं वो मैदे की या आटे की ना लें, हम उसको जो है मल्टीग्रेन आटा जो आजकल चल रहा है उसकी लें, हम प्रोटीन वाली डाइट ज्यादा लें। इंडियंस जो होते हैं वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं। हम लोगों की थाली में जो होता है उसमें रोटी होती है, उसमें चावल होते हैं, उसमें आलू की एक सब्जी होती है, तो उसमें ग्रीन सलाद की मात्रा कम होती है। वहीं जो यूरोपियंस हैं जो अमेरिकन्स हैं वो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, उनका उनके कंटेंट्स में जो है चिकन ज्यादा होता है, मीट ज्यादा होता है, वो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं, तो इसलिए उनमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। और इसलिए हमें अपनी लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन टाइप पे जाना है, मल्टीपल मील्स लेना है। अगर हम ये करेंगे तो कहीं ना कहीं हम शुगर का बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, अगर आज के लाइफस्टाइल की हम बात करें तो दौड़ती भागती जिंदगी में अपने ऊपर ध्यान बहुत कम लोग दे पाते हैं। देखिए कोरोना के बाद से हालांकि लोगों ने बहुत खुद को सीरियस लेना शुरू किया है कि हमें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ या शुगर जैसी बीमारी से उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ लोग अवेयर हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी लोग अवेयर नहीं है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पता नहीं चल पाता कि आखिर डायबिटीज़ था या शुगर की कोई बीमारी थी। तो अवेयरनेस के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, अर्बनाइजेशन अभी उतना ज्यादा नहीं है, और वहां पर अभी भी जो एजुकेशन की हम बात करें चाहे वो डायबिटीज को लेके हो या बाकी बीमारियों को लेके हो, वो काफी ज्यादा कम है। वहां पर अभी भी काफी ज्यादा मिथ्स होते हैं जिनको लोग यूजुअली फॉलो कर रहे होते हैं, और रूरल एरिया की जो डाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा शुगर रिच डाइट होती है कंपेरेटिवली जो है हमारे अर्बन एरिया की डाइट होती है। अर्बन एरिया में हमारे बहुत सारे माध्यम होते हैं, चाहे वो टेलीफोन का एक माध्यम हो, इंटरनेट का एक माध्यम हो, न्यूज चैनल का एक माध्यम हो, आप लोगों के ऐसे सोच के द्वारा वो माध्यम हो, वहाँ पे नॉलेज बहुत जल्दी पहुँचती है। तो गांव में भारत सरकार ने भी डायबिटीज को लेकर बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम चलाए हुए हैं, राज्य सरकार भी उन पे लगातार डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं, हम कॉम्प्लेक्स भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पे लिखा होता है डूज एंड डोंट डूज, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसकी डायबिटीज जैसा कि WHO भी कहता है कि भारत एक वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है, और उसमें इसकी एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन और अवेयरनेस कम होना स्पेशली रूरल एरिया में ये बहुत ही बड़ा फैक्टर इसमें हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें इसमें और एम्फेसाइज करने की जरूरत है, और जो माध्यम है जिससे हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, इसकी एजुकेशन दे सकते हैं, चाहे वो बच्चों के क्लास के सिलेबस में लेके हो, या जो प्रधान होते हैं गांव के या जो चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा ऑर्गेनाइज सोच हो, या उनके द्वारा डॉक्टरों की टीम्स को बुला के छोटी छोटी सभाएं करके उनको इसके बारे में बताना हो, उसकी अभी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये सिर्फ सरकार का कार्य नहीं है, ये हम सब लोगों का भी कार्य है। हर फैमिली में आजकल कोई ना कोई डायबिटीज पर्सन है, तो ये हमारी भी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमारे पास उसकी नॉलेज है तो हम अपनी फैमिली में जो हमसे दूर रह रही है, हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं बट कहीं ना कहीं हमारे रूट्स अभी भी रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, तो हम वहाँ पर इसको कैसे पहुँचा सकते हैं, इसकी एजुकेशन और इसकी सही चीजें कैसे पहुँचा सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि डेली बेसिस पे सुबह आपकी शुरुआत कैसी हो और रात तक आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दें ताकि वो समझ पाए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल ताकि आप ऐसी बीमारियों से बच सके किस तरह का होना चाहिए। देखिए हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो आपको चार चा को फॉलो करना है। पहला है चीनी को बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा है चिंता, चिंता बिल्कुल नहीं करना है।
तीसरा हम बोलते हैं जो आपको लेके आना है 4 फुट चलना, आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के कम से कम 40 मिनट के लिए चलना है। बहुत सारे एक्सक्यूजेज हमारे पेशेंट्स देते हैं कि हम तो बहुत दूर काम करते हैं, रात पर काम करते हैं, या हम एमएनसीज में काम कर रहे हैं, नाइट जॉब होता है। तो हम उनको बोलते हैं अगर आप पूरे हफ्ते नहीं चल सकते तो हफ्ते में 2 दिन, 7 दिन में 2 दिन आप निकालिए जिस दिन आपको 2-2 घंटे का वर्कआउट करना है, और बाकी दिन आप 10 मिनट के लिए अपना वर्कआउट करें। तो अपने दिन की शुरुआत अगर आपको करनी है तो वो ब्रिस्क वॉक से करनी है, एक्टिव लाइफ स्टाइल से करनी है। हमें पेशेंट्स आगे बोलते हैं कि हम रोज चलते हैं लेकिन शाम को खाना खाने के बाद चलते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा शाम को चलना सेडेंटरी लाइफस्टाइल का पार्ट होता है, वो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से चलते हैं। मॉर्निंग में चलने का हम जो एडवाइस करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो, 6 बजे से पहले जगें, 30-40 मिनट अगर आप चलते हैं तो आपका पूरा दिन हेल्थी रहता है, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव हो जाती है, जो कि आपकी डायबिटीज और बाकी लाइफस्टाइल डिजीज को बताती है। नाश्ते को कभी भी स्किप ना करें, ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। आप कितने भी बिजी हो आपको ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है, और ब्रेकफास्ट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, डिनर हमें कम करना है। अगर डिनर के टाइम पे हमें 4 रोटी की भूख है हमें 2 ही खानी चाहिए, लेकिन ब्रेकफास्ट में अगर हम 1 रोटी ले रहे हैं तो हम 1 रोटी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मिनी स्नैक्स जरूर होना चाहिए, और वही लंच और डिनर के बीच में टी के साथ एक हल्का स्नैक्स होना चाहिए। बीच में कहीं ना कहीं एक फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट हमें जरूर लेना चाहिए। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, चाहे वो विटामिन सी हो, मल्टी विटामिन्स हो, ये हमें बीच बीच में लेते रहना चाहिए। तो हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे तो बॉडी भी हमारा ध्यान रखेगी, और इन सारी बीमारियों से आपको दूर रखेगी और डॉक्टरों से भी दूर रखेगी। बिल्कुल डॉक्टर, आखिर में बस यही जानना चाहूंगी कि बढ़ता शुगर लेवल और डायबिटीज कितना हार्मफुल हो सकता है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो? देखिए, जितने भी आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट की डिजीज जिसको भी होती है, मैक्सिमम उनके पीछे डायबिटीज का योगदान रहता है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है पता नहीं होता है, सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक का इलाज करने जाते हैं तब पता चलता है कि डायबिटीज है। डायबिटीज जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डायबिटीज अगर शुगर का लेवल आपका 300, 400, 500 भी होगा वो आपको कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देने वाला, लेकिन उसकी वजह से होने वाले साइड इफेक्ट हमेशा आपके जानलेवा हो सकते हैं। डायबिटीज आपकी किडनी को डैमेज करता है, और अगर आपकी किडनी एक बार डैमेज हो जाती है वो ठीक नहीं हो सकती। आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, किडनी को ठीक नहीं कर सकते। उसका ट्रीटमेंट एक ही होता है, किडनी ट्रांसप्लांट आप करा लें। दूसरा, इसमें अगर हार्ट अटैक आता है तो सडनली जान जाने का खतरा रहता है, और हार्ट अटैक में भी आप स्टंटिंग करा सकते हो, प्रिवेंशन करा सकते हो, और फिर भी आपको उसके बाद लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है। आपका आंख का पर्दा जिससे आपको दिखाई देता है, पूरा विजुअलाइज करते हो, आंख के पर्दे में अगर शुगर का असर आ सकता है तो आप सडनली ब्लाइंड हो सकते हैं। आपके हाथों पैरों की नसें सुन्न हो सकती है, चलने फिरने में पेन हो सकता है, दर्द रह सकता है, ये सारे साइड इफेक्ट्स आपकी डायबिटीज कर सकती है। तो डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जब उसके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं उसमें फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एक प्रिवेंशन है, और एक डिफाइन हो जाता है, आपको हमेशा डिसेबिलिटी के साथ जीना पड़ता है। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे, डायबिटीज को रोकेंगे, तो आप उसके साइड इफेक्ट्स से भी बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, उम्मीद है कि दर्शकों को काफ़ी कुछ पता चला होगा, काफ़ी कुछ अवेयरनेस भी नज़र आई होगी उन्हें अपने शुगर लेवल को लेकर, डायबिटीज़ को लेकर। वो काफ़ी ज़्यादा अब आगे कहीं ना कहीं अवेयर रहेंगे और चेक कराते रहेंगे, और किस तरह से लाइफस्टाइल में बदलाव करना है, इन सब बातों के लिए आपका बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, ताकि लोग समझ सकें और आगे अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुनील बालियान, डायबिटीज़ पर, बढ़ते शुगर लेवल पर उन्होंने बात की है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने समझाया है कि किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और डॉक्टर के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।